अदालती हुक्म पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को रिहाई तो मिल गई, लेकिन परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। कमरा अदालत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उनके वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत पुलिस को हुक्म दे कि परवेज़ इलाही को घर तक सिक्योरिटी दी जाए। अदालत ने करार दिया कि आप एक दो अफसरान और लें और परवेज़ इलाही को घर छोड़ आएं। अदालती हुक्म पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को रिहाई तो मिल गई, लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नैब की तहवीन से रिहा करवा कर इजाजत दे दी थी कि वो घर जा सकते हैं। तहम परवेज इलाही अभी तक कमरा अदालत में मौजूद है। इनके वकला का सुबह यह मौका था कि जैसे ही ऑर्डर मिलेगा उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी और एंटी करप्शन के आला हुकाम जो लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद है, जिसके बायस परवेज इलाही ने दोबारा जो है अदालत से दरख्वास्त की कि वो इसलिए अदालत से रवाना नहीं हो रहे कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। परवेज इलाही से मिलने के लिए लतीफ खोसा भी लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, और उसके बाद जब ये समाज शुरू हुई है तो लतीफ खोसा रोस्टर पर और अदालत को बताया कि अदालत के वादा है हुक्म के बावजूद अदालत के बाहर यूनिफॉर्म और बगैर यूनिफॉर्म के भारी नफरी मौजूद है। लग रहा है परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का प्लान हो चुका है। ये अदालती बुनियादी हकूक की तहफुज की गारंटी देती है, लेकिन ये अदालती हकूक की तहफुज नहीं हो रहा। पुलिस अदालत के बाहर खड़ी हुई है। इस दौरान जो है परवेज इलाही भी रोस्टम पर आए और अदालत को कहा कि वो घर तो जाना चाहते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस पर अदालत ने जो है एसपी इकबाल टाउन को जो है फौरी तलब भी कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय जहूर भी अदालत में पेश हुआ और अदालत ने पूछा कि आपकी सिक्योरिटी से चार लोग, लेकिन मुतलका एसपी के साथ मिलकर परवेज इलाही को घर क्यों नहीं ड्रॉप कर देते, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें और इन्हें घर छोड़ कर आए। अदालत ने यह हदायत दी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी ने अदालत को यह यकीन दहानी कराई कि अदालती हुक्म पर मनोन अमल भी होगा। लेकिन तहम अभी तक जो है परवेज इलाही कमरा अदालत में मौजूद है, और इसी दौरान अदालत ने एसपी कैंट को भी तलब कर लिया और पुलिस की भारी नफरी फिलहाल अदालत के बाहर से जो है वो नहीं हटाई जा सकी है। जी पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर मौजूद है। मोहम्मद हारून अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।